आप देख रहे हैं आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं राहुल सिंह। रेलवे कंस्ट्रक्शन साइट पर दिन दहाड़े अंधाधुंध फायरिंग कर इंजीनियर समेत दो की गोली मारकर हत्या। गिरिडीह में नक्सलियों ने मचाया उत्पात, घर, बाइक और कार को जलाया। पीएमसीएच में रात 10:30 बजे मेडिकल छात्र भिड़े परिजनों से, फिर हड़ताल पर गए जूनियर डॉक्टर। सीबीएसई पेपर लीक मामले में चतरा में एसआईटी का गठन, छापामारी जारी, 6 छात्र हिरासत में। 15 लाख रुपए गबन के आरोप में कांग्रेस के रामगढ़ जिला अध्यक्ष बलजीत सिंह बेदी गिरफ्तार। अब खबर विस्तार से। झारखंड की राजधानी रांची में अपराधी बेलगाम हो गए हैं। पुलिस के तमाम दावों के बीच अपराध की घटनाएं जारी है। शुक्रवार को सुबह सुबह अपराधियों ने 3 लोगों को गोली मार दी। इनमें से 2 लोग की मौत हो गई, जबकि 1 गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। नगड़ी थाना क्षेत्र के टेटे गांव में रेलवे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। कुछ अपराधी वहां पहुंचे और अंधाधुंध फायरिंग कर 3 लोग, प्रहलाद सिंह राठौर, विशाल रेड्डी और एक अन्य शख्स को गोली मार दी। गोली लगने की वजह से कंस्ट्रक्शन कंपनी के इंजीनियर विशाल रेड्डी और मुंशी प्रहलाद सिंह राठौर की मौके पर ही मौत हो गई और तीसरा शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया, उसकी पहचान नहीं हो पाई है। नक्सली संगठन भाकपा माओवादी ने बीती रात जमकर उत्पात मचाया। रात लगभग 10:45 पर हथियार से लैस नक्सलियों का दस्ता बुखरा थाना इलाके के सोबर्णपुर निवासी मोहन पंडित के घर में घुस गया। सबसे पहले एक बाइक को जलाया। घर के बाहर शेड में मारुति ओमनी कार खड़ी थी, उसे शेड में ही आग लगा दी। शेड के साथ साथ ओमनी कार भी जलकर खाक हो गई। शेड से सटे मोहन के घर का बाहर का कमरा भी जलकर राख हो गया। मोहन ने बताया कि कम से कम 20 वर्दीधारी नक्सली रात में उसके घर पहुंचे, दरवाजा खटखटाया, वर्दी देखकर लगा कि पुलिस वाले हैं। उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खोलते ही वर्दीधारी उसके पुत्र बुधन पंडित को खोजने लगे। बुधन नहीं मिला तो शेड और वाहनों में आग लगा दी। पीएमसीएच में इलाजरत केंदुआ की 1 4 साल की बच्ची को डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया था। परिजनों का कहना था कि मृत कहने के बाद जब वे घर लौट रहे थे तो उस दौरान बच्ची हाथ पैर हिला रही थी, सांस ले रही थी। इस पर बहस होने लगी और मरीजों के परिजनों ने रेसिडेंट डॉक्टर उपेंद्र उरांव को तमाचा जड़ दिया और गाली गलौज करने लगे। खबर मिलते ही मेडिकल कॉलेज से बड़ी संख्या में छात्र पहुंच गए और मृतक बच्ची के चाचा, दादा एवं साथ आए लोगों की पिटाई शुरू कर दी। इमरजेंसी के बाहर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना सरायढेला थाना एवं 100 डायल पर दी गई। पुलिस कंट्रोल रूम के वाहन के साथ सरायढेला थानेदार निरंजन तिवारी खुद पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। मृतक के परिजनों को मेडिकल छात्रों के बीच से छुड़ाकर पुलिस गाड़ी में बैठाया। सीबीएसई पेपर लीक मामले में एसआईटी का गठन कर शुक्रवार को छापेमारी की गई। एसआईटी एसडीपीओ ज्ञान रंजन के नेतृत्व में काम कर रही है। सूत्रों के अनुसार पटना से 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है, जिन्हें पूछताछ के लिए चतरा लाया जा रहा है। गुरुवार को चतरा में पुलिस ने इस मामले में 6 छात्रों को हिरासत में लिया है। गुरुवार सुबह चतरा पुलिस ने 4 छात्रों को पकड़ा। इनकी निशानदेही पर शाम में 2 और युवकों को हिरासत में लिया गया। बताया जाता है कि शहर के एक कोचिंग संचालक को दिल्ली से एक युवक ने व्हाट्सएप पर प्रश्न पत्र भेजा था। कोचिंग संचालक ने यह प्रश्न पत्र परीक्षार्थियों को उपलब्ध कराया और मोटी रकम वसूली। हालांकि पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही। पूर्व गुरुद्वारा प्रधान सह कांग्रेस जिला अध्यक्ष बलजीत सिंह बेदी को शुक्रवार को एसपी ए विजया लक्ष्मी के निर्देश पर रांची रोड स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया। उनके ऊपर गुरु नानक स्कूल में 15 लाख रुपए गबन करने का आरोप गुरु नानक कमेटी के चेयरमैन सुरेंद्र सिंह बेदी ने लगाया है। इसके बाद रामगढ़ थाना में बलजीत सिंह बेदी के विरुद्ध केस दर्ज किया गया।
एक माह पूर्व बेल रिजेक्ट होने पर बलजीत सिंह बेदी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट रामगढ़ थाना पुलिस को दिया गया था। रामगढ़ पुलिस की लगातार छापेमारी के बाद बलजीत सिंह बेदी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। यह मामला 2015 का है। किसी को पेमेंट देने के लिए उन्होंने गुरु नानक कमेटी से 15 लाख रुपए का चेक कटवाया था, पर इसे खुद के अकाउंट में कैश करवा दिया था। ऑडिट के दौरान उन्हें पकड़ा गया। अब तक की प्रमुख खबरों में बस इतना ही। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही, और इंतजार करिए आजाद सिपाही खबर विशेष का राकेश सिंह के साथ। धन्यवाद।